कंटिन्यू अवर टॉपिक मैट्रिसेस। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन लेकर के आया, जहां पर अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स को डिस्कस करेंगे जो किसमें काम आती है हमारे सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में। बच्चों कुछ प्रोफाइल्स चैप्टर की ऐसी होती है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है और वो हर चैप्टर के अंदर होती है, तो मैं आप लोगों के सामने आज उसी प्रोफाइल को लेकर के आया और उसी चैप्टर को डिस्कस करूंगा जिसके अंदर हमारे पास बोर्ड के पैटर्न पे क्वेश्चन और आईआईटी पैटर्न के ऊपर और जेई के एग्जामिनेशन के अंदर कई बार वो सेट पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको अपन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से इस लेसन को देखिएगा और इसको फॉलो अप कीजिएगा, आप डेफिनेटली आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन की फॉर्मेट में, जैसे फोर मार्क के क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसी के साथ बने रहना है और कंटिन्यू करना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम कोई भी हो सकता है, तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने आ रहा है, उस चीज को कैरी अप करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर गौरव विजय। आई हैव टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोफाइल जो एग्जामिनेशन में कई बार आता है, ध्यान से देखिएगा। If a equals to this one, this matrix given है, and f of x equal to this one x square minus का 4x plus का कितना 7, show that f of a equal to 0. पहली बात, f of a equal to कितना 0. Let मैंने f of a इसको मान लिया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a square minus का कितना 4a, minus का 4a और प्लस का कितना 7, 7 अकेला नहीं, तो अपन इसको i लिख देते हैं। i हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ काम आएगी। सबसे पहले ए स्क्वायर की नीड होगी, तो ए इंटू ए करके निकालेंगे। ए कितना है 2, 3 माइनस का 1 और 2, सिमिलरली 2, 3 माइनस 1 और 2 हमारे पास यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 2 जा कितना 4, मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, पहले इसको इसके साथ तो इसको इसके साथ, माइनस का 3, माइनस का 2 हमारे पास है और माइनस का 2 हमारे पास यहाँ से आ गया। 2, 3 जा कितना 6, 3, 2 जा कितना 6 अपन ने यहाँ प्लेस कर दिया, माइनस का 3 और 2, 2 जा कितना 4 अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। गॉट इट एवरीवन, चीज आ गई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या है, ए स्क्वायर निकालने के लिए। तो बच्चों 4 माइनस का 3 कितना 1, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, 6 और 6 12 एंड 4 माइनस का 3 कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, ये अपने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अब पुट कर दो एफ ऑफ ए के अंदर, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i इक्वल्स टू, ए स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ आई 112 माइनस का 4 और 1, 112 माइनस का 4 और ये कितना 1 जो यहाँ आया उसको एज इट इज यहाँ पर प्लेस कर दिया। ए स्क्वायर कीजिएगा, माइनस का 4 इंटू ए, ए कौन है 2, 3 माइनस का 1 और 2 है, प्लस का 7i मतलब 7, 0, 0 और ये कितना 7 जो वैल्यू थी उसको एज इट इज अपन ने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। अब उसको आगे की तरफ यूज करेंगे, यूज करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारे पास 1। चलो इसको पहले एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 112 माइनस का 4 और ये कितना 1, माइनस का 4, 2 जा 8 माइनस का 4, 4, 3 जा 12 4, 2 जा कितना 8 प्लस का 7, 0, 0 और ये कितना प्लेस कर दिया अपन ने 7 प्लेस कर दिया। Now, 1 माइनस का 8 माइनस का 7, माइनस 7 प्लस का 7 कितना आ जाएगा 0, 12 माइनस का 12 कितना 0, इधर तो पहले से ही क्या है 0, माइनस का 4 प्लस का 4 कितना 0, 1 माइनस का 8 माइनस का 7 प्लस का 7 कितना 0, hence ये प्रूव, ये तो हमारे पास यहाँ पर अपन ने पहली वाली चीज को क्या कर दिया, बहुत अच्छे से उसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया और ये हमारे पास रिजल्ट भी आ गया। Now, अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला पार्ट क्या कह रहा है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए की पावर 5। अब इतना बड़ा नंबर देखते हैं बच्चे सोचते हैं ए की पावर 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट मैं आप लोगों को एक बहुत ही इजी और बहुत सिंपल मेथड इसके अंदर बताऊंगा, तो ध्यान से उस चीज को देखिएगा किस तरीके से अपन को यूज करना है। अब अपन ने प्रूव तो कर ही दिया है, क्या चीज, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i इक्वल टू कितना 0। अब इसको किस तरीके से यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। नाउ हमने निकाली है ए की पावर 5 की वैल्यू, हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 7i इक्वल टू कितना 0। सबसे पहली बात, ए 5 तक पहुंचने के लिए मैं पहले ए क्यूब पे आया, फिर ए 4 पे जाऊंगा और फिर ए की पावर 5 पे आऊंगा। ए क्यूब की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू कितना कर दिया ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी
फोर ए माइनस का कितना 7 आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करो, 4a माइनस का कितना 7i इंटू कितना a अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4a स्क्वायर माइनस का 7a हो जाएगा, a इंटू a कितना a स्क्वायर अपन ने यहाँ पर रख दिया है। अब अगेन a स्क्वायर की वैल्यू वापस से यहाँ से प्लेस करो, 4a स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस का कितना 7i माइनस का 7a, 4 का कितना 16a माइनस 7 का कितना 28i माइनस का 7a हमारे पास आ गया। 16 में से 7 को माइनस कर दो तो कितना बचाएगा 9a माइनस का कितना 28i, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे a क्यूब की वैल्यू आ गई। अब मुझे a क्या निकालना है, अगला a 4 निकालना है क्योंकि a 5 तक पहुंच रही है, मुझे इसकी नीड दोबारा से होगी। तो a क्यूब की वैल्यू इसके लिए या तो चाहो तो डायरेक्ट ए फाइव भी निकाल सकते हो, कैसे ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर करके, मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू भी है और ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू उठाकर डालते हैं, 9a माइनस का 28i, 9a माइनस का 28i इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास यहाँ से थी कितनी 4a माइनस का कितना 7 और i हमारे पास, गॉट इट, चीज आ गई। पर दोनों वैल्यू प्लेस कर दिया, अब इनको वापस से मल्टीप्लाई करो, 4 9 4 कितना 36a स्क्वायर, 9 7 9 जा कितना 63a, 28 इंटू 4 4 8 जा 32, 4 2 8 प्लस का 3 कितना 11, 8 9 10 11, 1 1 2, 28 को किससे किया अपन ने 4 से किया, तो कितना आ जाएगा 112a, फिर 28 को 7 से करेंगे, 28 इंटू कितना 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 प्लस का 4 कितना 19 196, माइनस माइनस प्लस का 196 और i हमारे पास आ जाएगा, गॉट इट। यहाँ तक अपन ने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है और कुछ भी नहीं। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, 36a स्क्वायर, यहाँ पर 36a स्क्वायर की वैल्यू दोबारा से प्लेस कर दो, 4a माइनस का कितना 7 और ये कितना i अपन ने प्लेस कर दिया, माइनस 63a इसके अंदर ऐड कर दो, 3 और 2 5 6 7 और 1 1 1 7 5a माइनस का 175a हमारे पास इसका आ गया, प्लस 196 और ये i हमारे पास ये वाला प्लेस कर देंगे। सिंपल अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 36 मल्टीप्लाई बाय 4 4 6 12 13 14 144 36 into 4 144 ए आ जाएगा हमारे पास, फिर 36 इंटू 7 कर दो, 36 को किससे कर दो 7 से कर दो, 7 6 जा कितना 42, 7 3 जा 21 और 4 25 252 माइनस का 252 और ये कितना आई आ जाएगा क्योंकि 36 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 175a अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया, प्लस 196i प्लस 196 और ये कितना आई अपन ने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब ध्यान देखिएगा सेम टर्म 175 में से 144 को क्या कर दो माइनस, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, 5 माइनस 4 इज 1 7 माइनस 4 इज 3 31, बट ये माइनस का है, बड़ा वाला है तो 31a हमारे पास नेगेटिव के फॉर्मेट में आएगा, और 252 और 196 ये भी माइनस होंगे, 252 और 196 को भी माइनस कर दो, 12 माइनस का 6 इज 6, 14 माइनस का कितना 9 कितना आ जाएगा 5, 14 में से 9 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5 और बाकी तो आ रही है 56, यहाँ 252 बड़ा है माइनस का 56 आई हमारे पास आ गया। कुल मिलाकर के A5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का 31A माइनस का 56 आई। अब सीधा मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा उसका नो। अब अपन वैल्यू प्लेस कर देंगे, अपन इसकी यहाँ पर माइनस का 31A की वैल्यू कितनी थी 23 माइनस का 1 और 2 माइनस का 56 और आई कितना 100 और ये कितना 1 हमारे पास आ जाएगा। वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो अंदर की तरफ माइनस के साथ, इसको किया तो माइनस का कितना 62 ये प्लस का 31 हो जाएगा,
ये माइनस का 93 हो जाएगा और ये माइनस का 62 अगेन हो जाएगा। 31 इंटू 2 कितना 62 हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 56 0 0 और ये कितना 56 हमारे पास है। तो माइनस 62 माइनस का 56 किया 6 7 8 6 और 5 कितना 11, तो माइनस का 118 हमारे पास आ गया। और ये हमारा 31 माइनस का 93 और माइनस का 62 और ये हमारा 56 6 7 8 6 और 5 11 अगेन वही ऊपर वाली बात, तो माइनस का 118 हमारे पास दोबारा से आ जाएगा। तो हियर इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्या ये वो तरीका है जिससे अपन ने A5 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल ली और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। A5 को निकालने का मैंने आप लोगों को बता दिया, एक प्रीव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने A5 को निकालने के लिए A³ निकाला। A³ को कैसे, A² * A करके। A² की वैल्यू क्वेश्चन में से निकाल ली और क्वेश्चन में निकाल करके यहाँ पर प्लेस कर दिया तो A³ आ गया। फिर अपन ने डायरेक्टली A₅ निकाला, A³ * कितना A²। दोनों की वैल्यू प्लेस करते गए जब तक वो सिग्नल A में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब तक अपन उसका काम करते रहे और हमारा A₅ की वैल्यू आराम से हो गई। ये वो पैटर्न है जो कई बार कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, A₅ की वैल्यू और A₆ की वैल्यू। तो आप लोगों को ये पैटर्न फॉलो करके काम मिलेगा। अब अपन नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, ध्यान से देखें नया क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो न्यू क्वेश्चन हमारे पास सामने है, अपन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी देखा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हमारे पास पूछा है क्या है LHS के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है FX इंटू कितना FY। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ और ये चेक करता हूँ क्या मेरे पास मिडिल टर्म आएगी या नहीं आएगी, उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले FX किया, FX कितना हमारा cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0 0 0 और ये कितना 1। अब बच्चों देखिएगा यहाँ y है तो यहाँ x था तो इसलिए x आ गया, यहाँ y है तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा, cos y माइनस का sin y 0, sin y cos y और ये कितना 0 और लास्ट में 0 0 और ये कितना 1 हमारे पास आ गया। बस अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, सब मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस बहुत अच्छे से जानते हो। ध्यान से बस वही रोज और कॉलम वाली का बात करनी है, इनके रो को इसके कॉलम के साथ। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है माइनस के साथ चल रहा है। कॉस एक्स को कॉस वाई से किया तो कितना आ गया कॉस एक्स इंटू कितना कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स इंटू कितना आ गया हमारे पास साइन वाई, ठीक है। और जीरो को जीरो से करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो। फिर साइन एक्स को कॉस वाई के साथ किया तो साइन एक्स और ये कितना कॉस वाई, फिर यहाँ आ जाएगा मेरा कॉस एक्स इंटू कितना साइन वाई, फिर जीरो जीरो जीरो, नीचे पूरा का पूरा कितना रहेगा जीरो। सिमिलरली कॉस एक्स को साइन वाई के साथ किया तो माइनस का कॉस एक्स इंटू कितना साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स को इसके साथ किया तो माइनस का साइन एक्स इंटू कितना कॉस वाई। सिमिलरली साइन एक्स को साइन वाई के साथ किया तो माइनस का साइन एक्स इंटू कितना साइन वाई, कॉस एक्स को कॉस एक्स किया तो माइनस प्लस का कॉस एक्स इंटू कितना कॉस वाई आ गया, फिर जीरो जीरो जीरो, तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा जीरो वाली चीज प्लेस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कॉस एक्स को जीरो के साथ जीरो, फिर जीरो और फिर भी कितना जीरो, तो ये भी कितना जीरो। साइन एक्स को इसके साथ जीरो, इसके साथ जीरो, इसके साथ भी कितना जीरो, फिर जीरो जीरो और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा वन। मल्टीप्लाई करना सबको आता है, वो जिसको नहीं आता मल्टीप्लीकेशन मैंने प्रीवियस लेसन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का पॉइंट भी लिया था मैंने लेसन नंबर 3 के अंदर, तो किसी को अगर मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो आप लोग मेरे प्रीवियस लेसन में जा सकते हो, वैसे आई कार्ड के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ वी हैव टू प्रोसीड, ध्यान से इसको यहाँ से देखा, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, बच्चों 11th क्लास कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपन ने कर दिया कॉस ए प्लस का कितना बी, कॉस एक्स प्लस का कितना आ गया वाई, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी जीरो, ये माइनस कॉमन ले लो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ भी बन जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस का बी मुझे यहाँ भी मिल जाएगा जीरो 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 और ये कितना वन। देखो ध्यान से, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है जो कि मुझे कहाँ चाहिए था आर एच एस के अंदर चीज की रिक्वायरमेंट थी। देखो कॉस यहाँ एक्स प्लस वाई, साइन एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई,
तो मैंने जब एफ एक्स हमारा x होता है तो यहाँ x होता है, अगर x प्लस y होगा तो हर x की जगह क्या होगा, x प्लस y होगा। दिस इज द पैटर्न क्वेश्चन नंबर टू। नाउ द थर्ड वन, तीसरे पे आएंगे अब अपन। नाउ एक लैंग्वेज क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करना है टू डिवाइड रूपीज 30,000। एक थीम तैयार कर लेते हैं, जैसे अपन ने 30,000 थीम तैयार कर ली। मेरे पास डिवाइड करना है 30,000 को इनटू टू पार्ट्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट इधर एक पार्ट, सच दैट टोटल अमाउंट, जो भी हमारा टोटल अमाउंट इंटरेस्ट होगा एट 9% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 9% लगेगा किसके ऊपर, फर्स्ट पार्ट पर, एंड 11% ऑन द सेकेंड पार्ट, और 11% लगेगा किसके ऊपर, सेकेंड पार्ट। तो लेट मैंने पहला पार्ट किया था एच, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस का एच। पहले पार्ट पर 9% का हमारे पास इंटरेस्ट लग रहा है और दूसरे वाले पार्ट पर 11% का हमारे पास क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। तो बच्चों ये हमारे पास इंटरेस्ट की क्वांटिटी यहां पर आ रही है। तो लेट ऐसे कर सकते हो, लेट फर्स्ट पार्ट बी, पहला पार्ट जो था वो x था, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड पार्ट कितना होगा, लैंग्वेज फॉर्मेट को लैंग्वेज फॉर्मेट से ही किया जाता है, सेकेंड पार्ट कितना हो गया 30,000 माइनस का कितना है। अब उसने बोला बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ये बताओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ध्यान से देखना, एक पार्ट हमारा x था, दूसरा पार्ट हमारे पास कितना है 30,000 माइनस का कितना है x है। पहले वाले पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 9%, यानी 9 कितना 100, और दूसरे वाले पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना, 11 कितना 100। कैसे पता लगाया, ये ऊपर और ये नीचे आएगा और ये इधर और ये इधर ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन से करना है, तो ये 1 अगर 2 की है तो ऑटोमेटिकली बात है ये 2 की होगी, यहाँ वाला और ये वाला हमेशा क्या होता है, सेम होता है, इसलिए मुझे ये चीज स्ट्राइक कर गई। तो बनने वाली चीज हमारे पास आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये कितना है 3060 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, बस अब इसको यूज कर लो, काम कर लो। x को पहले 9 से किया तो 9x/100 हो गया हमारे पास, फिर इसको इससे किया तो 11/100 में कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 30,000 माइनस का कितना x कर दिया, इक्वल टू कितना है 3060 हमारे पास है, ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। इसको जरा सॉल्व कर लो, 9x/100 में कितना 100 प्लस का 11 को इससे क्या 20 से ये 20 कट कर दिए, 11 3 कितना 33 और कितने 20 रह जाएंगे माइनस का 11x/100 में कितना 100 इक्वल टू 3060। अब ध्यान से इसको देखो, 9 में से 11 गए तो माइनस का 2x/100 में कितना 100 और 3060 में से 3300 को माइनस कर दो, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा ये 2 5 10 कैंसिल, माइनस का एक्स बाय 50 तो ये आ गया इक्वल टू 3060 में से 3300 माइनस कर दो तो सेक्स पॉसिबल हो रहा है, नहीं तो उल्टा करके माइनस कर दो, 3300 में से 3060 को माइनस कर दो, 0 10 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पर 2 बच जाएगा 240, तो ये कितना आ गया 24 और कितना 0 हमारे पास आ गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 24 × 5 5 4 = 25 2 = 10 5 4 = 5 11 12 120 और 2 0 12,000, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12,000। फर्स्ट पार्ट जो था, फर्स्ट पार्ट हो गया वो हुआ रुपीज 12,000 का, कितने का 12,000 का, तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा हमारे पास कितना 30,000 माइनस का कितना 12,000, 30 में से 12 रुपीज कितना आ जाएगा 18,000। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज। ये अपन ने 3 अलग अलग प्रोफाइल्स आज डिस्कस करी, पहली प्रोफाइल के अंदर अपन ने A5 की वैल्यू निकाली थी, दूसरे वाली प्रोफाइल के अंदर अपन ने fx = f(y) फंक्शन के रेस्पेक्ट में काम किया था, तीसरी वाली प्रोफाइल में एक लैंग्वेज क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर डिस्कस किया। दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है वो बहुत अच्छे से वीडियोस को देखो, बट वीडियो को देखने का फायदा आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर तभी हो पाएगा जब आप लोग कंटिन्यूशन में देखोगे। अगर इसके पहले आपने 1, 2 और 3 लेसन नहीं देखा है तो पहले उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू हो जाओ, ताकि आप लोगों को 4th वाला लेसन बहुत अच्छे समझ में आए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जैसे लेसन नंबर 5 आएगा एक नई प्रोफाइल के साथ,
जहां पर अपन मैथमेटिकल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके प्रोफाइल के क्वेश्चंस को बात करेंगे कि उसके प्रोफाइल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, मतलब इन क्लास ऑफ 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन में किस तरीके से आते हैं या आरबीएससी एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से उसको करिएगा, उसके लिए आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, फॉलो करिए, मैसेज जरूर करिएगा मुझे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्या चीज दिक्कत आ रही है, आप लोग किस चीज में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो या कोई और चैप्टर मेरे थ्रू चाहते हो तो जरूर मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच।